समानताएं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा पर्यावरण और विश्व के क्षितिज पर एक ऐसा उभरता हुआ व्यक्तित्व सौभाग्य से भारत देश को मिला है, जो नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आज वो संबोधन भी देने वाले हैं, मैं उनको पूरे देश की, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी, उनका जन्मदिन है। और ये भी एक संयोग है, आज पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री जी को। आज वृक्ष, हालांकि वृक्ष शिव के ही प्रतीक है, भगवान शंकर के, शिवराज जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगा रहे हैं, आज भी अभी विधानसभा में लगाने वाले। उनको जन्मदिन की कोटिशः शुभकामना है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने कर्तृत्व के माध्यम से प्रदेश के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए, रिकॉर्ड कायम किए। जितने महीने लोग सरकार नहीं चला पाए, उतनी साल से सरकार चला रहे। एक सेवा का नया उदाहरण प्रस्तुत किया, एक जनता के बीच में विश्वास पैदा किया। चार बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान, लगातार 14 साल मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान, नए इनोवेटिव आइडियाज जो नए आते हैं, उस आइडिया लेने में पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए। चाहे वो हमारी तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे हमारी संबल की योजना हो, एक नहीं अनेक। चारों कार्यकाल को अगर आप देखो तो पहले कार्यकाल में इस सड़क में गड्ढा था, या गड्ढों में सड़क थी, या गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। आज हमारी सड़कें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। दूसरे कार्यकाल में फीडर सेपरेशन प्रधानमंत्री ने जो गुजरात में किया था, वैसा मध्य प्रदेश में करके गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तीसरे कार्यकाल में नहरों का ऐसा जाल बिछाया कि 7 लाख हेक्टर से बढ़ के 45 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित कर दिया। ये चौथा कार्यकाल है। और इस कार्यकाल में भी आप कीर्तिमान गढ़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक बीमारू राज्य को विकासशील राज्य और विकासशील राज्य को विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप देने वाले। मध्यप्रदेश पर बैठे रतलाम में और पंजाब से नेता, पूरी कांग्रेस सड़क पे आ गई है साहब। दिग्विजय सिंह की बात नहीं करो आप, ये सबरे तीनों प्रदेश अध्यक्ष मिलके मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को हटाने के चक्कर में, इसीलिए गौडसे जैसे मुद्दे आते हैं, इसलिए कांग्रेस से हटके किसान को बनाई जाती है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि अगले चुनाव तक कांग्रेस नहीं रहेगी, कोई तीसरा फ्रंट आएगा चुनाव लड़ने के लिए। पटेल उन्होंने ये कहा था कि होशंगाबाद पिपरिया की जो डी है उनको उठवा लेंगे, उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब असंसदीय शब्द महिलाओं के बारे में बोल सकते हैं, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उसके कार्यकर्ता ऐसा मिलेंगे तो कार्रवाई तो करेंगे।